आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जूलॉजिकल गार्डन कानन पेंडारी, जो कि बिलासपुर शहर से मुंगेली रोड पर 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको बच्चों के लिए जो है 10 रुपये का टिकट और बड़ों के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये सोमवार के दिन बंद रहता है। तो चलिए हम चलते हैं, अब गार्डन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं जो चिड़िया है उसकी जगह पे। यह है एक चिड़िया जो है, यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया लोग, मस्त घोंसला यहाँ पर उनके लिए बना हुआ है, वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। ये है छोटा सुग्गा है, यहाँ पर बैठ के जो लव बर्ड हैं वो मस्ती कर रहे हैं। ये है कोकाटिल, ये भी एक चिड़िया है, इसको भी देख लीजिए आप। फिर हम चलते हैं तो पीला तोता जो है, पीला तोता यहाँ पर मौजूद है। पीला तोता जो है, कलर इसका पीला है, और देखिए ये बैठे हैं आपस में दोनों तोते, गुटरगू कर रहे हैं। ये है बजरीगर है, जो कलरफुल में है, अलग अलग कलर पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये है कोकाटिल है, तो ये यहाँ पर भी इनकी पूरी टीम यहाँ पर मस्त बैठ के मस्ती कर रहे हैं। क्या है, थोड़ा नेट है इसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप अगर आएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते चलते जाते हैं और फिर आपको हम और दूसरा दिखाते हैं। फिर यहाँ से हम चले तो स्नैक पार्क, यहाँ पर आपको सांप का यहाँ पर भंडारा मिलेगा, समझो यहाँ पर जो है भारतीय डोमिनाग है। खैर विजुअल में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये छिपा हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं कॉर्नर पे। फिर उसके बाद है भारतीय नाग है, जिसको हम गहुआ बोलते हैं। इसके जितने भी यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उसका छत्तीसगढ़ी में भी नाम है। यहाँ पर है हरा वाइपर है, अधिकतर जो सांप है वो हम लोग दोपहर का समय है तो ये सब अपने अपने जगह पे छिपे हुए थे। और ये है जो करैत है, सामान्य करैत है, अधिकतर गांव मिलता है। ये दूध मुही सांप है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, गोहों को देखते हैं, जिसको हम गोहिया बोलते हैं वो है। और एक ये यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है, ये देखिए अहिराज सांप है, यहाँ पर मौजूद है, इसको सांपों का राजा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। फिर उसके बाद ईमू है, देखिए बड़ा सा एक यहाँ पर पक्षी मिलेगा, ईमू है, ये देखिए ईमू को। ये मस्त यहाँ पर विचरण कर रहे हैं एकदम। ये है रोजी पेलिकन है, और इसके साथ एक और है, क्या नाम है, क्या नाम है, हम दिखाते हैं, दो यहाँ पर एक ही साथ मिलेंगे आपको, स्टार का भी है। तो स्टार का जो है ये ऊपर में बैठे दिखेंगे आपको, आराम से बैठे हैं, यहाँ पर नीचे में भी हैं। पर्यटक आते हैं देखते हैं, और ये यहाँ पर इनका आहार क्या है, कैसे रहते हैं, ये सब जितने भी जूलॉजिकल जो गार्डन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उनके हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बब्बर, शेर, दरियाई घोड़ा, शाही, जंगली सुअर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईमू आपको और मिल जाएगा, तो हम लोग इसका ईमू का एक और शूट कर लिए, देखिए कैसे घूम रहा है। ये अपना आ गए बब्बर शेर वाले जगह पे आ गए हम, तो यहाँ पर शेर भाई साहब ये देखिए आ रहे हैं, जिसका पूंछ कटा हुआ है, अब पता नहीं क्यों कटा है हमको नहीं पता, लेकिन ये देखिए आ रहे हैं। यहाँ पर वो जो यहाँ पर जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर एक और शेर है, तो उसको बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई घूमने चलते हैं, लेकिन वो नहीं आया, तो ये अपना आगे फिर बढ़ रहे हैं। अब जंगल के जो शेर हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं,
था कि आपको देखने के लिए यहाँ पर जाली लगा हुआ है, तो आप दूर से ही देखेंगे, पास तो जाएंगे नहीं, पास जाएंगे तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। फिर उसके बाद है एशियाई सिंह हैं जिसको बब्बर शेर कहते हैं, ये भाई साहब वहाँ पर बैठे हैं देखिए। अब दोपहर का समय है तो सीधी बात है शेर हैं भाई, राजा हैं, अब उनकी मर्जी है आए या ना आए, तो दूर से ही हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद सफ़ेद शेर हैं जो वाइट टाइगर हैं, कई मतलब छत्तीसगढ़ी में अगर कहो तो सादा बगुआ। फिर ये यहाँ पे हैं सफ़ेद शेर। ये भी घूम रहे हैं, इसके बाजू में भी हैं वाइट टाइगर, उसको बोल रहे हैं आजा भाई कह के, लेकिन बीच में जाली है तो थोड़ी आएगा वो। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं। फिर ये जो है वाइट टाइगर जो है इनका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हर जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे भी जंगली जानवर हैं या जो भी यहाँ पर पशु पक्षी जो भी हैं, उनका यहाँ पर बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दरियाई घोड़ा का है, और ये भी दरियाई घोड़ा जो है, जो जल हाथी बोलते हैं, ये दूर में पानी में है, तो काफ़ी दूर में थे इसलिए इनकी वीडियो जो है अच्छे से नहीं आ पाया। जंगली सुअर हैं और यहाँ पर भी वो भी मौजूद हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर देखे तो नहीं दिखा। फिर उसके बाद गौर भाईसन है, ये जो है मतलब हमारे विश्व की सबसे बड़ी एक गाय की प्रजाति है समझिए, मतलब सबसे बड़ी जो गाय होते हैं वो है ये, यहाँ पर देखिए ये जो दूर में दिखाई दे रहे हैं वो। फिर उसके बाद शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से इधर से आ रहा है साइड से। मतलब जब हम गए थे तो सबसे ज़्यादा जो घूमने वाला और जो सबसे नज़दीक में घूम ही रहा था यही शुतुरमुर्ग घूम रहा था, बाकी सब दूर दूर में थे। ये पास में आके तो इसकी वीडियो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा और अलग अलग एंगल से भी देखने को मिलेगा, हम अलग अलग तरीके से भी बनाए हैं देखिए। तो कानन पेंडारी में बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपने परिवार वालों के साथ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, तो एक बार आप जरूर यहाँ पर पहुँचें। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो दौड़ रहा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग थे तो काफ़ी देर यहाँ पर रुक के देखे, ख़ासतौर से पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं, आ सकते हैं। बिलासपुर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, रायपुर से अगर आप बिलासपुर आएंगे तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, बस के भी माध्यम से आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। यहाँ पर है मूसा खिरण, हम पहुँच गए। मूसा खिरण को आप देखिए छोटा सा है। फिर उसके बाद है बारासिंघा है, हिरण जो है ये दिखेंगे आपको, थोड़ा दूर दूर में है ये, विचरण कर रहे थे तो ये दिखेंगे दूर में। फिर उसके बाद है नील गाय है, तो नील गाय भी आपको दिखा देते हैं। ऐसी हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। ये देखिए नील गाय, लोग घास खा रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद आ गया सांभर हिरण आ गया। ये बैठे हैं दूर में। फिर उसके बाद हो गया मणिपुरी हिरण है, ये भी बैठे हैं। दोपहर का समय था तो आराम करने का भी समय था इनका समझिए, तो आराम कर रहे थे। चीतल है यहाँ पर, मिर्गा बोलते हैं जिसको। ये देखिए ये बांस की जो झाड़ी है उसके पीछे में सबके सब इकट्ठा हुए थे। फिर उसके बाद है सुकर हिरण, सियार, लुमड़ी, इस तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इधर।
चलिए ढूंढिए कहाँ पे है, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे है। चलिए वो दिखा नहीं तो हम आपको यहीं पे है दिखाते जाते हैं। ये देखिए कैसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, फिर उसके बाद है लोमड़ी, फिर हम दिखाएंगे आपको एशियाई सिंह को दिखाएंगे। ये देखिए एशियाई सिंह वहाँ पे है, ये बैठे हैं भाई, राजा है, जंगल के राजा हैं तो यहाँ पर भी आराम ही फरमाएंगे। फिर हम चलते हैं गोरल, ये भी मतलब ये जो होता है बकरी है समझिए, और ये छत पे बैठा है, देखिए यहाँ पर एकदम दूर से जूम करके दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद सुकर हिरण है, उधर चलते हैं अपन, दिखाते हैं कहाँ पर है। तो ये सब बैठे हैं, कोई घूम रहे हैं, दूर दूर में बैठे ही दिखाई देंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर इन लोग विचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो बंदर लोग हैं वो लोग कब्जा जमाए हैं समझिए। मजे की बात है कि बंदर यहाँ पे पूरा कब्जा जमा के बैठे हैं। अब ये लोग भी बेचारे लोग बोल रहे हैं हमारी जगह पे कौन आ गया कह के। और इधर भी हिरण है, अब वहाँ से भी बंदर यहाँ पे भी दिखेंगे। ये देखिए आ गए यहाँ पर भी हिरण लोगों की जगह पे, ये लोग आ गए समझिए। चलिए छोड़िए, कैसे करो बंदर हैं, आ जाते हैं कहीं पर भी उछल कूद करने। हिरण, कोटरी, सांभर, चिंकारा, चौसिंघा और नीलगाय, इधर हम चलते हैं। और फिर यहाँ पे वो सब थे, इसके बाद हम फिर आते हैं। ये देखिए ये है कब्र बिज्जू भूरिच जंगली बिल्ली, हम इसकी तरफ भी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भूरिच क्या होता है, देखते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो है उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं भूरिच। फिर हम देखते हैं जंगली बिल्ली, ये जंगली बिल्ली सब सोए हैं आराम से। यहाँ पर है गिद्ध, गिधवा बोलते हैं, तो ये गिधवा यहाँ पर देखिए, ये भी आराम से यहाँ पर बैठे हैं गिधवा लोग। पहले बहुत दिखाई देता था लेकिन अब तो ये देखने को बहुत कम मिलता है। इनके बाद हम चलते हैं तीतर की तरफ चलते हैं। वैसे तीतर ना जो है और बटेर है, यहाँ पर तीतर बटेर दोनों पास ही पास में हैं, तो देखते हैं बटेर तीतर कैसे दिखते हैं। वो तीतर वही है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो ये दिखेंगे आपको तीतर बटेर सब यहीं पे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फैमिली वाले मस्त घूमने के लिए आए हैं, सब देख रहे हैं। वैसे छुट्टी के दिन यहाँ पर काफी भीड़ रहता है, तो सब लोग आए हैं देख रहे हैं घूम घूम के। फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं, खास तौर से जब छुट्टी रहता है तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको भीड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तेंदुआ, ये रहा तेंदुआ, अब तो गांव-गांव में भी तेंदुआ आ जाता है भाई, दिखने को मिल जाता है, क्योंकि वैसे जंगलों की कटाई हो रही है तो कहाँ जाएंगे जंगली जीव जानवर, तो शहर की तरफ आ जाते हैं। खैर आपको तेंदुआ यहाँ पर भी गार्डन में मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे तेंदुआ घूम रहा है, फिर उसके बाद है काकड़ हिरण, कोटरी बोलते हैं जिसको, ये छोटा टाइप का रहता है हिरण,
ये देखिए पानी पीने आए हैं जंगल में। जंगल नहीं है, आप इनके लिए जंगल ही समझिए, पानी पी रहे हैं। तो वैसे माहौल को जंगल के जैसा बना दिया गया है, तो उनको लगता होगा कि हम जंगल में हैं, लेकिन चारों तरफ से बेचारे लोग तो पैक ही हैं। फिर हम चलते हैं, ये देखिए आगे चलते हैं, ये चिड़िया वाले एरिया पे हम आ गए। यहाँ पर आपको मयूर और अलग अलग जो पशु पक्षी हैं, मतलब पक्षी हैं, पशु तो हम देख लिए, पक्षी वाले आइटम हैं समझिए सब चीज़। तो यहाँ पर मयूर है, ये सब ऊपर में दिखेंगे। वैसे इसमें एक मस्त और मयूर ऊपर में जो दिख रहा था वो है, ये अपने भारतीय मोर हैं, देखिए ऊपर में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है मयूर। चलिए हम आगे आगे बढ़ते चलते हैं। ये रहा मगरमच्छ, ये देखिए मगरमच्छ। वैसे अगर मगरमच्छ के बारे में देखना है तो आप जांजगीर चांपा में जो है कोटमी सोनार में, वहाँ पर आप क्रोकोडाइल पार्क है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ये रिशस बंदर है, ये बंदर जो है इंसान से काफ़ी मिलता जुलता है, तो अधिकतर जो है किसी रिसर्च के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तो इन्हीं बंदरों से रिसर्च भी करते हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना है वो इंसान की जैसे ही होती हैं। ये है जंगली खरगोश, ये देखिए यहाँ पर जिसको हम खरहा बोलते हैं, ये यहाँ पर हैं, ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ये भाई साहब तो खाने मगन है। अच्छा, ये खास बात है कि कानन पेंडारी के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग ना करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन जो होता है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। तो मीडिया जोन के सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि प्लास्टिक से जो पॉलीथीन है उसका उपयोग कम ही करें। अब हम चलते हैं मछली घर, यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ मिलेंगी। और मछली घर जब जाते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपये का अलग से टिकट कटाना पड़ेगा। अब जो पहले कटा है वो नहीं है, अंदर जाने के लिए मछली के लिए भी आपको कटाना पड़ेगा। और ये देखिए रंग बिरंगी मछलियाँ, और मछलियों के क्या नाम है हर जो है वीडियो में जो आप देखेंगे उसके बाजू में उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए इसमें मछलियों का नाम अच्छी अच्छी है। अलग अलग मछलियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको, अलग अलग जो है वैरायटी की मछली हैं, कछुआ भी है, छोटी मछली, बड़ी मछली, हर टाइप की यहाँ पर मछली आपको मिल जाएंगी। तो आप देखते जाइए वीडियो के आखिरी तक को देखिए, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी।
ये देखिए मछली कितना प्यारा लग रहा है। अब हम मछलियों के बाद चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं। आपने तो लगभग सब चीज़ देख लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस जूलॉजिकल गार्डन में झूला है और तमाम तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर सुविधाएँ भी हैं, तो बच्चे लोगों के लिए भी अच्छा यहाँ पर खेलने कूदने के लिए जगह है। तो अगर आप खाली रहते हैं या फिर आपको घूमने का मन है, ऐसी जगह पर आने का मन है, तो आप एक बार कानन पेंडारी ज़रूर पहुँचें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। धन्यवाद।